तो मार्वल स्टूडियोज ने एमसीयू के लिए बहुत बड़े मेजर प्रोजेक्ट्स को प्लान कर रखा है और हमेशा की तरह इनमें से बहुत से बड़े बड़े प्रोजेक्ट को मार्वल ने अब तक छुपा के रखा है तो हम इस वीडियो में उनमें से टॉप टेन प्रोजेक्ट्स को इस वीडियो में रैंक करने वाले हैं और इतना ही नहीं हम उन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे तो बिना किसी टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं नंबर टेन स्पाइडरमैन फोर तब तक हमें एमसीयू में तीन स्पाइडरमैन मूवी देखने को मिली है स्पाइडरमैन होम कमिंग स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम और स्पाइडरमैन नो नोवे होम जिसमें से नोवे no होम बहुत बड़ी हिट रही थी और स्पाइडरमैन नो वे होम के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें वेनम सिम्य की एक झलक देखने को मिली थी जिससे कि ये कंफर्म हो जाता है कि स्पाइडरमैन 4 जरूर से आने वाली है और हमें ये भी पता चला है कि सोनी और मार्वल मिल स्पाइडरमैन की तीन और मूवीज बनाने का प्लान कर रहे हैं और इसी के कारण हमें स्पाइडरमैन फोर की अनाउंसमेंट बहुत जल्दी देखने को मिलेगी नंबर नाइन शांग ची टू तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि शांच ची वन एम की वन ऑफ द बेस्ट सोलो सुपर हीरो मूवीज में से एक है जो कि पूरी तरीके से चाइनीज कल्चर्स के ऊपर बेस्ड है और एमसीू की फेज फोर की उन चुनिंदा मूवीज में से है जिसको लोगों ने बहुत पसंद किया था और हाल ही में शांसी का कैरेक्टर प्ले करने वाले एक्टर सिमुल लुई ने बताया था की शांसी टू आने वाली है और इसके बहुत से चांसेस है की ये मूवी एवेंजर्स फाइव और एवेंजर सिक्स के बीच में आए और इसी चीज के कारण इसमें कोई डाउट नहीं है कनेक्टेड होगी तो में, में, में वो वांडा की ओरिजिन स्टोरी दिखाएंगे जिसमें हमें उसके परिवार के बारे में पता चलेगा और साथ ही साथ हमें ये भी पता चलेगा की कैसे उसके माँ बाप मारे गए और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की वांडा को उसकी पावर किस तरीके से मिली एज ऑफ अल्ट्रॉन में हमें इस चीज की थोड़ी सी झलक देखने को मिली थी तो हो सकता है कि डेडिकेटेड मूवी में हमें इसे पूरी तरीके से दिखाया जाए और इस चीज के बहुत से चांसेस है कि एमसीयू की अपकमिंग वेब सीरीज अगाथा में इस मूवी के बारे में कुछ पता चले और हमें अभी ये भी नहीं पता है कि की मूवी ओ में रिलीज होगी या फिर थियेटर्स में लेकिन ये मूवी किसी ना किसी तरीके से एमसीयू लाएगा जरूर नंबर सेवन इथर्नल टू इथर्नल एम सी का बहुत बड़ा अनसक्सेसफुल प्रोजेक्ट रहा है जिसको ना तो पब्लिक ने पसंद किया ना ही क्रिटिक्स ने और इसका बहुत बड़ा कारण था इसकी स्टोरी लाइन जो कि इसकी मूवी में बिल्कुल भी फिट नहीं बैठ रही थी और साथ ही साथ इसकी एंडिंग भी बहुत बेकार तरीके से की गई थी पर इन सब चीजों के बावजूद एमसीयू सी थर्नल टू लाने वाला है और इस मूवी में हमें थर्नल की आगे की स्टोरी देखने को मिलेगी और ये मूवी को और भी डिटेल में एक्सप्लोर करेगी और यह प्रोजेक्ट एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के पहले आने वाला है या बाद में हमें इस बारे में जानकारी नहीं है नंबर सिक्स डॉक्टर स्ट्रेंज तो डॉक्टर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें हिंट मिल ही गया था डॉक्टर थ्री के मूवी के बारे में और जैसे कि डॉक्टर रेंज वन में डार्क डायमेंशन को थोड़ा ही दिखाया गया था पर डॉक्टर थ्री में डार्क डायमेंशन को बहुत डीपली एक्सप्लोर किया जाएगा और इसी चीज के कारण बहुत से चांसेस बन जाते हैं कि हमें डोर मामू एमसीयू में दोबारा देखने को मिलेगा नंबर फाइव नोमैड तो मार्वल कॉमिक्स में स्टीव रॉजर्स ही कैप्टन अमेरिका के टाइटल को छोड़कर नोमेड बनते हैं बट एमसीयू में ये चीज बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्टीव रॉजर्स अब एमसीयू का पार्ट ही नहीं है और इसी कारण हो सकता है कि एमसीयू नोमेड एक बहुत ही नए कैरेक्टर को बनाए और अभी अभी कुछ लीक्स सामने आए थे जिसमें हमें पता चला था कि मार्वल ने म को कॉपी करवाया है और हो सकता है की मारवल नोमैट के ऊपर एक सेपरेट मूवी बनाए और इसी के कारण हमें नोमैट मूवी की अनाउंसमेंट जल्दी ही देखने को मिलेगी नंबर फोर एक्समैन मूवी अगर हम मार्वल के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं और एक्समैन की बात ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता तो डिजनी और ट्वेंटी सेंचुरी फॉक्स के मर्जर के बाद अब मार्वल के पास उनके सारे एक्समैन कैरेक्टर्स के राइट्स वापस आ चुके हैं और इसी के कारण अब मार्वल जब चाहे तब एक्समैन कैरेक्टर्स को अपनी मूवीज में दिखा सकता है और एमसीयू ने ऐसा की भी है जैसे कि हमें दी मार्वल्स के पोस्ट क्रेडिट सीन में कुछ म्यूटेंट्स देखने को मिले थे और इतना ही नहीं डेट पुल थ्री मूवी में हमें वुल्वरीन देखने को मिलेगा और एमसीयू के मेजर अपकमिंग प्रोजेक्ट एवेंजर्स फाइव और सीक्रेट वॉर्स में भी अब हमें का बहुत बड़ा रोल देखने को मिलेगा और इन्ही सभी चीजों के कारण ये बात भी कहीं ना कहीं कंफर्म हो जाती है की मार्वल एक्समैन के ऊपर भी एक सेपरेट मूवी जरूर बनाएगा नंबर थ्री एंड ऑफ टाइम तो एमसीयू एमसीयूर्नल के साथ साथ एक मूवी सेलेस्टियल्स के ऊपर भी बनाने का सोच रहा है जिसमे ये मूवी पूरी तरीके ऐसी से बेस रहेगी जो कि की ओरिजिन को पूरी तरीके ऐसी एक्सप्लोर करेगी और इस मूवी के बारे में हमें तब पता चला जब मार्वल ने नोम को कॉपी कराने वाली बात लीक हुई थी और इसी टाइम मार्वल ने इस नाम को यानी कि एंड ऑफ टाइम नाम को भी कॉपीराइट करवाया था और ये सभी चीजें ये कंफर्म कर देती है कि एमसीयू कभी ना कभी सेलेस्टियल्स के ऊपर भी एक बड़ी मूवी प्लान जरूर कर रहा है नंबर टू थॉर फाइव तो इस लिस्ट में थॉर फाइव ही एक ऐसी मूवी है जिसके कंफर्मेशन के बारे में लोगों को बहुत पहले से ही पता लग गया है क्योंकि जैसे कि थॉर फोर के पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें ये लगभग पता चल जाता है कि थॉर फाइव कंफर्म आने वाली है और इस मूवी में हमें थॉर वर्सेस हर तो जरूर देखने को मिलेगा और इसी के साथ ही साथ बहुत से ओलम्पियन गॉड्स भी देखने को मिलेंगे और एमसीयू ने ये बात भी कन्फर्म कर दी है की वो थॉर फाइव को डार्क टोन में बनाने वाले है जैसे की हमने थॉर दी डार्क वर्ल्ड में देखा था और इसी चीज के कारण एमसीयू ने टाइक वटाटी को थॉर फाइव के डायरेक्शन से भी निकाल दिया है और मार्वल फिलहाल तो थॉर फाइव के लिए एक नए डायरेक्टर को ढूंढ रहा है और इन सभी चीजों के कारण थॉर फाइव एमसीयू में बहुत ही जल्दी अनाउंस होने वाली है नंबर वन अवेंजर्स इटर्निटी वार्ड तो मार्वल ने जिन नेम्स को कॉपीराइट करवाया था उनमें अवेंजर्स इटर्निटी वार्ड भी शामिल था इसका मतलब मार्वल एक एवेंजर्स मूवी इटर्निटी वार्ड के ऊपर भी बनाने का सोच रहा है और बात करें इटर्निटी की हमें इसकी छोटी सी झलक थौर लव एंड थर में देखने को मिली थी और कुछ लोगों को पहले ही से पता होगा की अवेंजर्स इटर्निटी वार्ड के बारे में मार्वल कॉमिक्स में पहले ही बताया जा चुका है पर हमें यह भी पता है की इस मूवी की स्टोरी मार्वल कॉमिक्स से बहुत ही अलग होने वाली है जैसा की एम हमेशा से करता आया है और इस मूवी में जर सेलेस्टियल या फिर किसी दूसरे बिंग से यूनिवर्स को बचाएंगे पर इस मूवी की एक्चुअल स्टोरी तो हमें मूवी अनाउंस होने के बाद ही पता चलेगी और इस चीज के बहुत ज्यादा चांस है सीक्रेट वॉर्स के बाद यही अगली मूवी हो तो दोस्तों ये थी वो वीडियो उन के बारे में जिनको मार्वल ने अब तक अनाउंस तो नहीं किया है लेकिन ये बात कन्फर्म है की मार्वल कभी ना कभी इन प्रोजेक्ट को अनाउंस जरूर करेगा और आपको कौन से एम प्रोजेक्ट का बहुत बेसब्री से इंतजार है कमेंट मिलो और अगर आप हमारी और भी वीडियोस को एंजॉय करना चाहते हो जैसे कि टॉप अपकमिंग एमसीयू एन इफ अवेंजर्स वेयर डेड और ओडिन तो आप इन सभी वीडियोस को एंजॉय कर सकते हो मैंने इन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दो और चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे कर लो ताकि ऐसी धमाकेदार वीडियोस आप तक पहुंचते रहे तो फिर मैं मिलता हूं ऐसी धमाकेदार वीडियोस के साथ तब तक के लिए गुड बाय